हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक यूनिक रेसिपी जो राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपी है, बाजरे की रोटी और पालर की सब्जी। ये एकदम देसी खाना लेके आई हूँ मैं आपके लिए और बनाना इतना इजी व आसान तरीके से। ये राजस्थान की फेमस खाना है, ये राजस्थान की फेमस प्लेट तैयार की हूँ मैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ले हूँ पाव भर पालर और 100 ग्राम पालक ली हूँ और इससे बनाऊंगी पालर की सब्जी बिना छुकन दिए हुए। एकदम देसी स्टाइल में बना के तैयार करूंगी मैं। पालक को कट कर लेती हूँ। बाजरे की रोटी और पालर का साग जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है, जयपुर के अंदर बहुत बनाया जाता है और बहुत टेस्टी से खाया जाता है। गरम गरम रोटी बाजरे की और पालर की सब्जी, इसके अंदर घी डाल के और गुड़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। आपकी गेहूं की रोटी और बाकी प्रकार के रेस्टोरेंट होटल के खाने भी फेल हैं, एकदम देसी होटल के खाने की जैसे लगेगा आपको। अब मैं पालक को काट ली हूँ, पालक को भी काट लेती हूँ। नवे रसोई के अंदर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कीजिए। मैं पालर को भी कट कर ली हूँ, अभी इसे धो लेती हूँ अच्छी तरह से। और पालक को तो मोटा काट कट कर सकते हो, लेकिन पालर को बिल्कुल बारीक कट करना है आपको। ये सीजने में बहुत टाइम लगता है इसको। ये गाजर के पत्ते आते हैं, इसके पत्ते को पालर बोलते हैं हम। अब धो के मैं तैयार कर ली हूँ। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसके अंदर एक लीटर पानी डाल देती हूँ पालर की सब्जी बनाने के लिए। अब पानी एक लीटर में डाल दी हूँ तो एक लीटर पानी को मैं गर्म करूंगी, अच्छी सी उबाल लाऊंगी इसके अंदर। अच्छी सी उबाल लाना जरूरी है इसके अंदर, अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो पानी गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर छुकन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप छुकन भी लगा सकते हो या छुकन बिना छुकन भी बना सकते हो आप आराम से। बिना जितना छुकन का अच्छा लगेगा उससे दुगना बिना छुकन का लगेगा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तो 5-7 चम्मच बाजरे की रोटी के साथ सब्जी बना रहे हैं तो बाजरा ही डालेंगे इसके अंदर। अब बाजरे के साथ में मैं डाल देती हूँ आधी चम्मच हल्दी। एक चम्मच डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर। इस सब्जी की एक ही पहचान रहेगी इसके अंदर, ये बाजरा अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा तो आप समझ जाइए ये सब्जी पक के तैयार हो गई, बन के तैयार हो गई। तो इसलिए इस बाजरे को इसके अंदर डालते हैं और बाजरे का बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इसके अंदर। बाजरे की रोटी के साथ में बाजरे की सब्जी के अंदर बाजरा डाले तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी व लाजवाब बन के तैयार होती है। आपने होटल के अंदर कई प्रकार की चीज़ें खाए होंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, क्या क्या खाए होंगे, परांठे, खूब चीज़ें आते हैं वो खाए होंगे, लेकिन इस बाजरे की रोटी व इसके साथ कुछ भी नहीं है वो। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 5-7 चम्मच दाल, मिक्स की दाल आती है वो मैं इसके अंदर डाली हूँ। आप जो भी कुछ खाते हो होटल के अंदर वो इस देसी बाजरे की रोटी के सामने कुछ भी नहीं है, वह सब चीज़ का टेस्ट फीका पड़ जाएगा। बाजरे की रोटी व पालर की सब्जी और दही के साथ में खाइए और इन्जॉय कीजिए। ये आसानी से नहीं मिल पाती हैं बाजरे की रोटी और पालर का साग, और चीज़ें तो हर जगह दुकान पे मिल के तैयार मिल जाएंगे, जहाँ कोने कोने पे, रोडों पे सब पिज़्ज़ा बर्गर सब कई प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगे, लेकिन बाजरे की रोटी और पालर का साग तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मिलेंगे गाँव के साइड में, और हमारा गांव जयपुर के अंदर तो बहुत ज़्यादा बनता है बाजरे की रोटी और पालर का साग। पानी गर्म हो गया, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पालर और पालक दोनों।
मैं डाल दी हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसे। जयपुर के अंदर, हमारे जयपुर के अंदर बाजरे की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे सर्दी के अंदर बाजरे की रोटी व पालर की सब्जी बनाते हैं, और बाजरे की रोटी गरम गरम के अंदर भैंस का लूनिया घी आता है वो डाल के खाते हैं, और गुड़ के साथ में बहुत टेस्टी, बहुत शानदार लगता है। अब मैं लहसुन ले ली हूँ, लहसुन को कूट लेती हूँ। लहसुन को कूट के तैयार कर लूँगी, कर ली हूँ मैं। अब लहसुन डाल दूँगी इसके अंदर दरदरा कुटा हुआ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी पालक की सब्जी। अभी इसे भी मिक्स कर दूँगी। आप कहीं पे भी जाके आप बाजरे की रोटी और पालक की सब्जी मांगोगे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मैं ढक के पकने देती हूँ। अब मैं इसके अंदर वो बना लेती हूँ। पानी के अंदर मैं 2 चम्मच बाजरे का आटा डाली हूँ सब्जी के अंदर डालने के लिए। मैं बता रही थी आपको, बाजरे की रोटी बनाएंगे तो बाजरे का ही इसके अंदर बाजरे का आटा ही डालेंगे। तो आप गेहूं की रोटी के साथ बेसन का आटा डालते हो, तो बाजरे की रोटी के साथ मैं बाजरे का ही आटा डालूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी के अंदर, बहुत टेस्टी व लाजवाब सब्जी बन के तैयार होती है, और बिना छुकन दिए हुए ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है, आप सोचोगे यहाँ क्या, हम तो छुकन की सब्जी खाना ही भूल जाएं बिना छुकन के बना बना के खाए, इतनी टेस्टी बनती है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बाजरे के आटे का पेस्ट बनाई थी वो। आप तो बिना छुकन की सब्जी डेली खाना पसंद करोगे, एक बार ऐसे पालर की सब्जी बना के खाओगे तो। ये बिना छुकन की इतनी टेस्टी बनती है, जो अपनी छुकी हुई सब्जी तेल की वो इसके सामने फेल है। और ये कभी कभी तो ऑयल मुक्त भी खाना चाहिए, कई बार तो ऑयल मुक्त खाओगे तो आपका सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और खाना भी बहुत अच्छा रहेगा, पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा आपका। धीरे धीरे सब्जी बन रही है और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना है, क्योंकि इसके आटा डालने हैं वो नीचे चिपके ना। अब मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। एकदम देसी स्टाइल में बनाएंगे, और पालक की सब्जी के साथ में मैं आपको बाजरे की रोटी भी इसी वीडियो के अंदर बनाना बताऊंगी, और देसी स्टाइल में एकदम चूल्हे पे, चूल्हा आता है इसके ऊपर, मैं बाजरे की रोटी बनाना बताऊंगी, और इतनी टेस्टी और इतनी आसान तरीके से बाजरे की रोटी बनाना बताऊंगी। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, आगे जाके मैं बाजरे की रोटी बनाना बताऊंगी आपको। मेरा काम है आपको आसान से आसान ट्रिक बताना, आपका काम है मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। राजस्थान का देसी खाना खाने में तो बहुत मज़ा आता है और बहुत टेस्टी आता है। देसी खाना मिल जाए वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हो जाते हैं देसी खाने को देखते ही। बाजरे की रोटी, काचरा की सब्जी, बाजरे की रोटी, गवारफली की सब्जी, बाजरे की रोटी और पालर की सब्जी, ये मिल जाए तो वाह, क्या मज़ा आ गया खाने में। और इसके साथ में दही का कटोरा मिल जाए और लूनिया घी मिल जाए तो मज़ा ही कोई और आ जाए, और एक गुड़ की डगली मिल जाए तो खाने के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, बाजरे को तोड़ के देखती हूँ, अभी तक तो नहीं पका, बाजरा नहीं टूट रहा, तो अभी तक तो सब्जी बन के तैयार नहीं हुई। अब मैं ढक के और फिर पकने देती हूँ। ढक के पकने देती हूँ, थोड़ी देर के बाद में मैं चेक करके देखती हूँ सब्जी बन के तैयार हुई नहीं हुई।
सब्जी वैसे तो बन के तैयार हो गई, लेकिन थोड़े बाजरा पका नहीं। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बाजरे को तोड़ के देख लेती हूँ। बाजरा एकदम फट जाना चाहिए सब्जी के अंदर। बाजरा तो देखिए, बाजरे की सब्जी के अंदर बाजरा एकदम सीज के तैयार हो गया, पक के तैयार हो गया। तो इस सब्जी का यही रीजन है, बाजरा सीज जाए जब आप समझ जाइए सब्जी बन के तैयार हो गई। और वैसे तो पालक और पालक तो वैसे ही सीज जाते हैं, तो इस सब्जी के अंदर बाजरा एकदम फटाफटा हो जाएगा जब आप समझ जाइए सब्जी बन के तैयार हो गई। देखिए मैं आप पालक और पालक को दिखाती हूँ, ये बिल्कुल के तैयार हो गए। अब तो सब्जी बन के तैयार हो गई, एकदम टेस्टी व लाजवाब सब्जी पालर की। अब मैं बाजरे की रोटी बना लेती हूँ देसी चूल्हे पे। गैस पे कई बार बना के खाते हैं बाजरे की रोटी, तो इतनी टेस्टी नहीं बनती है बाजरे की रोटी गैस पे। बाजरे की रोटी चूल्हे पे ही बहुत टेस्टी बनती है, चूल्हे पे ही बनती है टेस्टी। तो लीजिए मैं चूल्हा छिलगा ली हूँ। अब मैं बाजरे की आटे ले ली हूँ और आटे के अंदर मैं नमक डाल दी हूँ। अच्छी तरह से इसे नमक को मिक्स कर दूंगी। नमक को मिक्स कर दी हूँ मैं, आटे को साइड में कर देती हूँ। अब मैं चेक कर लेती हूँ तवा गर्म हुआ नहीं हुआ। अभी तक तो तवा गर्म नहीं हुआ। थोड़ा आटा ले लेती हूँ और रोटी बनाना शुरू करती हूँ मैं। इतनी देर में तवा गर्म हो जाएगा, रोटी बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और इसे अच्छी तरह से गूंदना है, अच्छी तरह से मिक्स करके फिर गूंदना है इसे। आप देखिए बाजरे की रोटी बनाओ तो ऐसे बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला मत कर लेना, नहीं रोटी हाथ से बनाएंगे इसे, हाथ से बढ़ाएंगे, चकला बेलन से नहीं बनाएंगे, नहीं बन पाएगी। इसको टाइट डो लगाना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं, बिल्कुल मीडियम रखना है और एकदम सॉफ्ट रखना है। ऐसे लसर का देना है, हथेली की सहायता से लसर का देके और फिर आटे को गूंदना है। अब गोल गोल करना है आटे को, लोई बनानी है। अब मैं लोई बना रही हूँ। एक्स्ट्रा आटा इसे तोड़ देती हूँ। अब ऐसे गोल गोल घुमा के और हथेली की सहायता से थप थपी देते हुए घुमाइए और थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिए। अब ऐसे अंगुली की सहायता से इसे और बढ़ाइए। इसे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, हाथ से बनाइए और खाइए बाजरे की रोटी। अब इसे हथेली की सहायता से फिर से बढ़ा लेंगे। पूरी बड़ी रोटी गोल गोल बना के रोटी बनाएंगे हाथ की सहायता से ही बाजरे की। तो देखिए रोटी बनके तैयार हो रही है बाजरे की। बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई और उस तरफ गैस भी गर्म, उस तरफ तवा भी गर्म हो गया चूल्हे पे। अब मैं रोटी डाल देती हूँ चूल्हे पे। चूल्हा की रोटी खाने का टेस्ट ही बहुत अलग है। मैं इतनी देर में वो रोटी सीखती है, उतनी देर में इधर बना के तैयार कर लेती हूँ दूसरी रोटी। अब रोटी को चेंज कर देती हूँ, चेंज कर दी हूँ मैं। और ये रोटी पक रही है, उतनी देर में वहाँ पे दूसरी तरफ रोटी बढ़ा लूँगी मैं। लोई बना के तैयार कर ली मैं, अब रोटी को बना लूँगी लोई बना के। अभी इसका लोई बना लेती हूँ। अब इसका एक्स्ट्रा आटा तोड़ देती हूँ और इसे भी वैसे ही आटा लगा के और हथेली की सहायता से फैला के और बस अंगुलियों की सहायता से इसे गोल गोल बढ़ाऊँगी। इतनी टेस्टी वह बाजरे की रोटी बनती है। गुड़ और घी के साथ खाइए बाजरे की रोटी और बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बन के तैयार होती है। खाने वाले वाह वाह करने लग जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है बाजरे की रोटी। मेरी रोटी बन के तैयार हो गई, बट गई है रोटी, रोटी बन के तैयार हो गई। मैं उस रोटी को नीचे उतार देती हूँ और इस रोटी को डाल देती हूँ। उस रोटी को नीचे उतार दी, इस रोटी को डाल दी हूँ। अभी इसे नीचे सेक लेती हूँ।
आग के सामने मैं सेक के तैयार कर लूंगी इस रोटी को। अब मैं अगली रोटी बना लेती हूँ। इसे सेक ध्यान से सेकना है, जल न जाए रोटी, घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पे। उबली रोटी को चेंज कर देती हूँ, तवे वाली रोटी को चेंज कर दी हूँ मैं। इसे दूसरी तरफ से भी पका लूंगी। अभी इसे नीचे वाली रोटी को घुमा दूंगी, इसको चेंज कर दूंगी, दूसरी पीछे की तरफ सेक लूंगी। ऊपर वाली रोटी को चेंज कर देखती हूँ, चेक करके। देखिए नीचे रोटी सिक रही थी, वो सिक के तैयार हो गई। एकदम शानदार कुरकुरी व टेस्टी बाजरे की रोटी बन के तैयार हो गई। ये ऊपर वाली भी रोटी सिक के तैयार हो गई। अब मैं इसके ऊपर रोटी डाल देती हूँ, अगली रोटी डाल दी हूँ इसके ऊपर। अब इसे भी सेक लेती हूँ। राजस्थान की प्रसिद्ध बाजरे की रोटी गैस पे इतनी अच्छी नहीं लगती है, देसी स्टाइल से बना के खाओगे तो ही टेस्ट आएगा बाजरे की रोटी का। चूल्हे पे ही बना के खाओगे तो ही इस बाजरे की रोटी का टेस्ट आएगा आपको। आप गैस पे बना के खाओगे तो इसका टेस्ट नहीं आएगा आपको। ऊपर वाली रोटी को मैं चेंज कर देती हूँ। बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की बिस्कुट, बाजरे का चूरमा तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज खाइए घी के साथ में बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाना बहुत आसान व बहुत इजी है। मैं ऊपर वाली रोटी को भी चेंज कर देती हूँ, अभी तक पकी नहीं। तो लीजिए बाजरे की रोटी बनके तैयार हो गई। अब मैं बाजरे की रोटी ले ली हूँ, इसके अंदर लूनिया घी डाल देती हूँ। गरम गरम के अंदर ही लूनिया घी डाल देती हूँ। भैंस का घी है, एकदम देसी घी, और लूनिया घी है ये बहुत मुश्किल से मिलता है। वैसे गरम किया हुआ वो तो आसानी से मिल जाएगा, लूनिया घी तो गांव के अंदर ही मिलता है। इससे बहुत टेस्ट आता है लूनिया घी से। अब मैं अच्छी तरह से डाल दी हूँ इसके अंदर घी। अब मैं अगली रोटी ले लेती हूँ, इसके अंदर डाल देती हूँ घी। लूनिया घी गांव में खाने का ही मजा आता है, सिटी के अंदर तो इतना लूनिया घी नहीं मिलता है, गांव के अंदर बहुत मिलता है। सर्दी के अंदर बाजरे की रोटी व लूनिया घी खाए बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खाने वाले एकदम वाजी वाजी करने लग जाए। अब मैं गुड़ की डगली ले लेती हूँ बाजरे की रोटी के साथ। गुड़ ले ली हूँ। अब मैं ले लेती हूँ पालक की सब्जी। वाव कितनी टेस्टी पालक की सब्जी और बाजरे की रोटी, और साथ में दही, दही की कटोरी साथ में, वाह क्या मजा आ गया खाने में। अब ले लेती हूँ मैं सलाद, टमाटर प्याज और खीरा। एकदम देसी होटल जैसे, रेस्टोरेंट जैसे खाना बना के तैयार की हूँ मैं। होटल व रेस्टोरेंट जैसे प्लेट सजा के तैयार की हूँ, देसी एकदम देसी प्लेट सजाई हूँ मैं। खाने वाले वाह वाह करने लग जाएंगे, इतनी टेस्टी खाना आपने ना तो खाया होगा ना बनाया होगा। बाजरे की रोटी और पालक की सब्जी और दही और गुड़ और सलाद के साथ में खाइए और इंजॉय कीजिए, और आप भी बनाइए एक बार नवे रसोई की जैसे पालर व बाजरे की रोटी बना के खाइए और इंजॉय कीजिए। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब देसी होटल जैसा खाना बन के तैयार हुआ है, और होटल जैसे ही मैं परोसी हूँ आपको। और टेस्टी बनती है ये पालक की सब्जी और बाजरे की रोटी, और राजस्थान के अंदर बहुत चाव से खाते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं। अब मैं आपको खाना भी बताती हूँ कैसे खाते हैं। बाजरे की रोटी का टुकड़ा लेते हैं, घी में डुबाते हैं, फिर दही में डुबोते हैं, दही के साथ में, फिर पालक के साथ में, तीनों चीज़ों का टेस्ट लेते हैं, फिर खाते हैं। वाह क्या मज़ा आ गया खाने में, बहुत टेस्टी। नवे रसोई के अंदर पालक की सब्जी की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।